26 जून की रात थाना मोड़ा पांडे इलाके में महिला का अपहरण करने और विरोध करने पर माता पिता और उनके बेटे को गोली मारकर घायल करने वाले 6 बदमाशों में से 2 बदमाशों को पुलिस पहले ही मुठभेड़ में गिरफ्तार कर चुकी है। देराज जिला अस्पताल पहुंचे SSP सतपाल अंतिल ने घायल सिपाही का हाल जानने के बाद बताया कि देर रात पुलिस को सूचना मिली थी। फायरिंग और अपहरण की घटना को अंजाम देने वाले दोनों मुख्य आरोपी रास्ते से गुजरने वाले हैं। SSP ने बताया कि सूचना मिलते ही टीमों को इनकी तलाश में लगा दिया गया। जैसे ही लोग नजर आए, पुलिस ने इन्हें रोकने का प्रयास किया तो दोनों ने पुलिस टीम पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी है। गोली लगने के बाद दोनों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। SSP सतपाल अंतिल ने बताया कि पूछताछ करने पर पता चला कि 26 जून को अपहरण और फायरिंग की घटना को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी मुस्लिम, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था, दूसरा बदमाश नन्हे, इस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इन दोनों की तलाशी लेने पर इनके कब्जे से 4 कारतूस, 2 तमंचे और मौके पर चलाई गई गोलियों के खाली खोके बरामद किए गए हैं। SSP ने बताया कि दोनों ही शातिर किस्म के अपराधी हैं और इनके बाकी बचे दोनों साथियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। SSP ने हमारे क्राइम रिपोर्टर खालिद खान के सवाल के जवाब में कहा कि बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ में जो सिपाही घायल हुआ है, उसकी हालत में अब सुधार बताया जा रहा है। जिला अस्पताल में बदमाशों से पूछताछ और घायल सिपाही का हाल जानने के दौरान SPCD अखिलेश भदौरिया, CO सिविल लाइन अर्पित कपूर और बदमाशों को धूल चढ़ाने वाली पुलिस टीम में शामिल पुलिसकर्मी मौजूद रहे। गुड़ा पांडे थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस के द्वारा चेकिंग के दौरान जब 2 बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों के द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया, जिसमें एक कांस्टेबल को चोट लगी। पुलिस के द्वारा जब आत्मरक्षार्थ इसमें जवाबी कार्रवाई की गई तो उसमें 2 बदमाशों को गोली लगी है। इनसे जब इनके बारे में पता किया गया तो इनका बेसिकली जो आइडेंटिफिकेशन है वो मुस्लिम और नन्हे के रूप में हुआ। मुस्लिम पर पूर्व में 50,000 और नन्हे पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। आपको विदित होगा कि 26/27 की रात को गुड़ा पांडे थाने क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव में अटेम्प्ट टू किडनैप और अटेम्प्ट टू मर्डर का एक इंसिडेंट हुआ था, जिसमें कि एक ही परिवार के 3 लोगों को फायर आर्म इंजरी हुई थी और उस घटना में ये मुख्य अभियुक्त थे। इनसे पहले भी 2 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार हो चुके हैं और पुलिस के द्वारा लगातार उस घटना में 5 टीमों का गठन बनाकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या क्या नाम है इन दोनों के? देखिए, इसमें से एक जो मुख्य अभियुक्त है जो कि 50,000 रुपये का इनाम है, इसका नाम मुस्लिम है, और जो दूसरा अभियुक्त है इस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित है, इसका नाम नन्हे है। इनके पास से एक मोटरसाइकिल और 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस बरामद। सर, एक कोई पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुआ है? एक पुलिसकर्मी है जो घायल हुआ है और उसकी कंडीशन ठीक है।